नमस्ते फ्रेंड्स, मैं उज्ज्वला महाजन आप सभी का स्वागत करती हूँ क्लासी रसोई में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने कुछ तैयारी करके रखी हुई है। आज हम बनाने जा रहे हैं क्विक पनीर मसाला की रेसिपी। चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक जार लिया है, इसमें हम सारी सब्जियाँ जो काट के रखी हैं एक एक करके डाल देते हैं और एक साथ पीस लेंगे। एक टमाटर लिया है मीडियम साइज़ का, दो हरी मिर्ची ली हुई हैं, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और 2 टुकड़े गरी के, कच्चा नारियल और 8 से 10 लहसुन की कली हैं और 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं। इसको हम एक साथ पीस लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने ये प्याज लहसुन सब मसाला जो लिया था वो पीस लिया है। अब हम इसको तेल में डाल देते हैं। फ्रेंड्स, कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाला हुआ है। ये मैंने सरसों का तेल लिया हुआ है। यदि आप सरसों का तेल नहीं खाते हैं तो आप दूसरा कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम इसमें डालते हैं 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 तेज़पत्ता और अब हम डालते हैं प्याज, मसाला सब भुना हुआ है। फ्रेंड्स, अब हम मसाले को भूनते हैं जब तक तेल और मसाला सेपरेट नहीं हो जाता है। लो टू मीडियम आंच पे ही भूनेंगे। फ्रेंड्स, जब तक ये मसाला भून रहा है तब तक हम थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला दरदरा कूट लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने लिया हुआ है थोड़ा सा, अपनी इच्छा अनुसार जो भी पसंद करे मसाला वो ले लें आप। मैंने लिया है 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, थोड़ा सा स्टार फूल का टुकड़ा और 3 से 4 लौंग, 3 से 4 काली मिर्च और ये थोड़ी सी जायपत्री और ये थोड़ा सा छबीला है। इसको हम दरदरा कूट लेते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं मसाले ने तेल छोड़ दिया है, सेपरेट हो चुके हैं दोनों। अब हम इस पे इसमें डाल देंगे मसाले, रेगुलर मसाले। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लिया है 1/2 टीस्पून ली है कश्मीरी मिर्च, 1 टीस्पून ली है हल्दी और 1/2 टीस्पून ली है लाल मिर्ची पाउडर और 1 टीस्पून लिया है धनिया पाउडर। इसी को हम डाल देते हैं इसमें और साथ में जाएगा थोड़ा सा मिक्स करने के लिए दूध। अब फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं अपने स्वाद के अनुसार। मैंने 1 टीस्पून डाला है, आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसको हम 5 मिनट भूंज लेंगे या जब तक फिर से सेपरेट ना हो जाए तब तक। फ्रेंड्स, इसको थोड़ी भूंजने देते हैं, थोड़ा सा ढाक देते हैं। फ्रेंड्स, जब तक मसाला भूंज रहा है तब तक हम पनीर काट के रख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम पनीर लिया हुआ है, आप अपनी आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं और उसी के अनुसार अपने मसाला या सामग्री की क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकते हैं। फ्रेंड, जब तक मसाला भूंज रहा था तब तक हमने पनीर काट लिया है। अब हम चलिए मसाला देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, मसाला भून चुका है, कलर कितना अच्छा आया है। अब हम इसमें पनीर डाल देते हैं। साथ में जो गरम मसाला कूट के रखा था उसको भी डाल देते हैं। ये थोड़ा, आधा ग्लास मैंने जो दूध लिया था वो आधा पहले डाल दिया था और आधा अभी डाल रही हूँ। फ्रेंड, जिस ग्लास में दूध था उसी में थोड़ा सा पानी ला के डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंग रखिए इसको, ग्रेवी ज़्यादा पतली रखनी है या गाढ़ी, मैं ऐसे ही रख रही हूँ।
अब इसमें थोड़ा पका लेती हूँ इसको ढक कर के। 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं और थोड़ा कसूरी मेथी। इसको हमने रोस्ट किया हुआ है थोड़ा सा। देखिए फ्रेंड, सब्जी बन चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा क्रीम डाल देते हैं। यदि आपके पास क्रीम नहीं है तो आप ताज़ा मलाई भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा क्रीम डाल रही हूँ और थोड़ा ऊपर से धनिया की पत्ती। नमस्ते फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको अगली वीडियो जल्दी मिल सके। तब तक के लिए नमस्ते, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।